एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे टैबलेट के बारे में देखेंगे जो आपके सर दर्द और फीवर, कोल्ड और दांतों में दर्द जो रहेगा उसके लिए ये टैबलेट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा टैबलेट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका वो टैबलेट होता है ब्रूफेन, जिसमें कि आइबुप्रोफेन होता है ये टैबलेट। तो इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फिर इसका देखेंगे इंग्रेडिएंट्स कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसके ब्रांड नेम देखेंगे कि अगर जैसे ब्रूफेन है गया तो आपको ये नहीं मिलेगा मार्केट में, तो आपको कौन सा और मेडिसिन ले सकते हैं इसके बदले में, और इसका यूजेज देखेंगे कि क्या क्या इसके यूज होते हैं, कहाँ कौन से डिजीज के लिए, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है जब ये मेडिसिन को लेते हैं, और डोज देखेंगे कि कितना लेना होता है, इसका डोज कितना किसको लेना होता है, और ये देखेंगे इसमें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके ब्रूफेन के 400 mg टैबलेट्स के बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। तो जो ब्रूफेन 400 टैबलेट होता है पेन रिलीविंग मेडिसिन होता है, जो कि मतलब कि इसका हो गया दर्द को आपको ठीक करेगा ऐसे दवा होता है, और ये यूज किया जाता है मैनी कंडीशन जैसे कि हेडक हो गया, फीवर। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो जैसे कि नाजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, और डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन होता है, और कॉन्स्टिपेशन, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इस मेडिसिन के देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो आइबुप्रोफेन होता है कंटेन आइबुप्रोफेन, ये आइबुप्रोफेन बिलोंग टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन, कौन से मेडिसिन से बिलोंग करता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब जिसे कहते हैं नेसेट्स। ये क्या करता है, फीवर जो रहता है, पेन रहता है, उसे ये रिलीव करता है। तो अब इसका ब्रांड नेम देखते हैं ब्रूफेन के कि क्या क्या आता है कौन से नाम से। तो आपको जैसे ब्रूफेन नहीं मिलेगा मार्केट से, तो आप इसके बदले में आइबुजेसिक, आइबुब्योन, आइब्रूमैक ले सकते हैं, आइबुजेन ले सकते हैं, या फिर आइबुबिड ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन होते हैं सेम ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे कि आपका ब्रूफेन मेडिसिन काम करता है। तो अब इसके आगे इसका देखते हैं यूजेज कि क्या कौन से डिजीज के लिए यूज करते हैं। तो इसका भी मेन होता है पेन रिलीविंग मेडिसिन होता है। पेन रिलीविंग मेडिसिन मतलब कि जो कि आपको दर्द को ठीक करता है दर्द से। ये जैसे आपका पहला यूज हो गया हेडेक, मतलब सिर दर्द, फीवर मतलब बुखार, पीरियड में जो पेन होता है इसके लिए, और कोल्ड्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और टूथेक मतलब दांतों में जब दर्द होता है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइल्ड अर्थराइटिस, जब अर्थराइटिस हो जाता है जब घुटनों में दर्द वगैरह, तो इसके लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं जॉइंट पेन के लिए। तो बेसिकली जब भी ये मेडिसिन लें तब डॉक्टर्स की सलाह से ही लें, ऐसे नहीं लेना चाहिए मेडिसिन, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके बाद देखते हैं। जैसे ओमिटिंग हो सकता है, नौजिया मतलब जी में चलाना, डिजीनेस चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो जिसे कहते हैं, फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस मतलब क्या होता है, पेट जब फूल जाता है उसको फ्लैचुलेंस कहते हैं, डायरिया हो जाएगा मतलब दस्त, डिप्सिया मतलब अपचत की समस्या आ सकती है, हेडेक सिर दर्द, जैसे कि आप ओवरडोज ले लेंगे तो इससे सिर दर्द में परेशानी आ सकती है। तो इसलिए मेडिसिन डॉक्टर के सलाह से ही लें, और आपका फैटिक थकान हो सकता है, और रेस मतलब खरोच जैसा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जब भी इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट मिले तो आप डॉक्टर से जाकर संपर्क करें कि मैसे मतलब इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसके बदले में आपको कोई और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे।
अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, मतलब कि इसको काम कैसे करता है हमारा बॉडी में। जब हम लोग आइब्रूफेन टैबलेट लेते हैं जिसमें कि आइब्रूफेन होता है, तो जो आइब्रूफेन टैबलेट इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। जो आइब्रूफेन टैबलेट होता है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो कि दर्द और सूजन से हमें आराम देता है। एक ऐसे काम करता है, ये ब्लॉक कर देता है उस केमिकल मैसेंजर को जो हमें फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन जैसे कुछ कॉज कर रहे हैं, तो उनको ये जिससे कि ब्लॉक हो जाएगा तो केमिकल मैसेंजर हमें फीवर और पेन इन्फ्लामेशन कॉज नहीं कर पाएंगे। इसका डोज देखते हैं कि कितना ये मेडिसिन को लेना चाहिए। ब्रिफिन टैबलेट है, अपने से नहीं लेना चाहिए, पहला पॉइंट होता है। अब जब भी ले मेडिसिन ये तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और ये मेडिसिन को खाना खाने के साथ लेंगे तो जिससे कि स्टोमक जो अपसेट रहता है उससे आपको आराम मिलता है। टेक दिस मेडिसिन डज ड्यूरेशन एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। ये मेडिसिन आपने जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं उसी ड्यूरेशन में लेना चाहिए, और इसको कंटिन्यू लेना चाहिए जिससे कि आपको दर्द और इन्फ्लामेशन से जल्दी आराम मिल पाए। इसको स्वेल करना है पूरा, और इसको चबाना नहीं होता है ना जो तोड़ना होता है ये मेडिसिन को। अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन के, मतलब किनको लेना चाहिए तो किन मेडिसिन और किनको नहीं लेना चाहिए, और जो ले रहे हैं तो क्या उनको सेफ्टी एडवाइस रहता है। तो पहला देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में जो अगर ले रहे हैं तो ये अनसेफ होता है। कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल तो ये आपके लिए अनसेफ है, आप अल्कोहल बंद कर दीजिए जब तक ये दवा चल रहा है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जब मतलब जब माएँ दूध पिलाती हैं तो उनके लिए एक मेडिसिन कैसे काम करता है, लेना है या नहीं लेना है, तो इसके बारे में देखते हैं। ब्रुफेन टैबलेट होता है ये ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये सेफ होता है। साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो आप डॉक्टर से सलाह लें और ये मेडिसिन को बंद कर दें। तो देखते हैं इसका प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन अनसेफ होता है, और ये जबकि लिमिटेड स्टडी में पता भी चला है, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डेवलप करते हैं जो कि बेबी रहते हैं पेट में, उनको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनके ग्रोथ को। तो इसीलिए जब भी ये मेडिसिन लें तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के सलाह से ये मेडिसिन लें, अपने रिस्क से बच सकते हैं। ड्राइविंग में देखते हैं तो ब्रुफेन टैबलेट डज नॉट इजीली अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव। ज़्यादातर अफेक्ट नहीं करता है, बट कभी कभी क्या होता है ये डिजीनेस होता है तो उसके वजह से कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब किडनी के पेशेंट में देखते हैं तो ये जो मेडिसिन होता है किडनी में तो ले सकते हैं कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ, लेकिन जो मेडिसिन का डोज रहता है ड्यूरेशन उसको जितना टैबलेट लेना है उसके हिसाब से लेना है, और इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये जो भी मेडिसिन लें तो डॉक्टर की सलाह से लें, आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो बताकर। अगर आपको ब्रुफेन टैबलेट कब नहीं लेना है, जबको पेशेंट सेवियर किडनी डिजीज, जब ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको किडनी का डिजीज बीमारी है तब इसको नहीं लेना चाहिए, और जब लॉन्ग टर्म यूज मेडिसिन, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन यूज करने पर आपको किडनी के फंक्शन पर अफेक्ट कर सकता है। अब लीवर में देखते हैं इसका क्या, लीवर वाले डिजीज पेशेंट रहते हैं तो उनको क्या कैसे, तो जो लीवर वाले पेशेंट रहते हैं उनको मेडिसिन ले सकते हैं प्रिकॉशन के साथ, है कि जब भी मेडिसिन ले ब्रुफेन टैबलेट डोज जितना डॉक्टर बोले हैं उतने हिसाब से लेना। सेवियर लीवर डिजीज के पेशेंट है उनको मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।